नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव वर्मा सस्ता घर के YouTube चैनल पे एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर किसी का एक अपना सपना होता है अपना घर लेने का, और सस्ता घर उसी सपने को साकार करता आ रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। दोस्तों, आज जो सस्ता घर आपके लिए ये 3 BHK फ्लैट लेके आ गया है, ये है मेन रोड से मात्र 400 मीटर की दूरी पर, और जिस गली में जिस रो में मैं खड़ा हूँ वो एक छोटी सी गेटेड सोसाइटी है। मेरे बैक साइड पर आप देख पा रहे हैं एक आरडब्ल्यू ने मेन एंट्रेंस पे गेट लगा रखा है, और इसी गेटेड सोसाइटी में आपको ये फ्लैट मिल जाता है। दोस्तों, इस पूरी बिल्डिंग में मात्र एक ही फ्लैट अवेलेबल है। दोस्तों, आइए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ उसकी पार्किंग और उसका एलिवेशन दिखाता हूँ, और फिर चलते हैं हम लोग फ्लैट पर। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने उस फ्लैट की एंट्रेंस पे। अगर हम फ्लैट के एंट्री डोर की बात करें तो अप्रॉक्स 3.5 फुट बाय 8 फुट का एंट्री डोर आपको मिल जाता है, और डोर फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो डोर फ्रेम आपको रेड मरंडी का मिलता है। रेड मरंडी एक सॉलिड वुड होती है, मैं अपनी वीडियोज़ में अक्सर आपको बताता रहता हूँ। दोस्तों, बात करूँ अगर फ्लश डोर की, इन्होंने एंट्री पर फ्लश डोर का यूज़ किया हुआ है, जिसपे इन्होंने विनियर लगा रखी है। अगर हैंडल लॉक्स की बात करूँ तो बहुत खूबसूरत इन्होंने हैंडल्स लगा रखे हैं। लॉक्स आपको सारे इसमें ब्रांडेड मिल जाते हैं। दोस्तों, और ये है हमारा ड्राइंग डाइनिंग एरिया। 16 बाई 16 का आपको ड्राइंग डाइनिंग एरिया मिलता है। इतना ज़्यादा स्पेशियस, बहुत खूबसूरत फ्लैट है। दोस्तों, ये मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं पूरी वॉल इन्होंने वॉलपेपर से इन्हांस कर रखी है। बहुत खूबसूरत फॉल सीलिंग बना रखी है वर्टिकल कोफ के साथ। पैनल लाइट और कोफ लाइट का दोनों का इन्होंने इसमें यूज़ किया हुआ है। और अगर बीच में फॉल सीलिंग्स की बात करूँ, फैंस आपको सारे ब्रांडेड मिल जाते हैं, और बीच में इन्होंने डाउन सीलिंग जो दी हुई है वो भी काफ़ी यूनिक सी दी हुई है, बहुत खूबसूरत लग रही है आपको फॉल सीलिंग। और अगर टाइल्स की बात करूँ तो ब्लैक कलर की ग्लॉसी सेरेमिक का टाइल्स का इन्होंने यूज़ किया हुआ है फ्लोरिंग पे। दोस्तों, ये है इसका 16 बाई 16 का ड्राइंग डाइनिंग एरिया। मेरे राइट साइड पे पूरी वॉल आपको TV पैनल के लिए मिल जाती है। आप जितना भी चाहे उतना बड़ा अपना TV पैनल इस पर सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों, और मेरे लेफ्ट साइड पर आपको यहाँ पर पूरा स्पेस मिलता है। आप यहाँ पर अपना स्प्लिट AC लगवा सकते हैं, उसका पॉइंट इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। दोस्तों, आइए इसी के साथ अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके किचन में। दोस्तों, अगर मैं किचन के डायमेंशन की बात करूँ, इस फ्लैट के साथ सेमी मॉड्यूलर आपको किचन मिलता है, बट किचन स्पेशियस मिलता है। अप्रॉक्स 8 फुट बाय 8 फुट 8 बाई 8 का आपको पूरा ही किचन मिल जाता है। दोस्तों, काउंटर टॉप की अगर मैं बात करूँ तो ब्लैक कलर के ग्रेनाइट का इन्होंने काउंटर टॉप पर यूज़ किया हुआ है। और अगर बात करूँ इसके ओवरहेड स्टोरेज की, तो बहुत खूबसूरत आपको ओवरहेड स्टोरेज मिल जाता है, काफ़ी स्पेशियस मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक शॉकर के साथ पैनल्स मिल जाते हैं। इसमें भी आपको हाइड्रोलिक शॉकर मिल जाता है। दोस्तों, दोनों साइड पे इन्होंने आपको हाइड्रोलिक शॉकर के साथ ये ओपनेबल ओवरहेड स्टोरेज दे रखा है। दोस्तों, चिमनी आपको लगा के दे रहे हैं। चिमनी का आउटर आपका निकलता है इसके शाफ्ट में। मैं आपको एक बार ही दिखा देता हूँ। इसके साथ इन्होंने एक एग्जॉस्ट फैन भी लगा के दे रखा है आपको चिमनी के साथ, वो भी आपका शाफ्ट में ओपन होता है। ये विंडो होती है आपकी ओपन शाफ्ट में। और अगर बात करूँ इसके बेसिन की, सिंक की, तो ये भी आपको हैंडमेड मिलता है। साउंड प्रूफ सिंक होता है दोस्तों ये। और जितनी भी फिटिंग फिक्सचर्स हैं आपको ग्रेविटी की मिल जाती है, जो कि ब्रांडेड है। दोस्तों, और सारा किचन आपको मिलता है सेमी मॉड्यूलर। काफ़ी स्पेशियस किचन है। दोस्तों, आप इसको कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। यहाँ पे आप अपना मिक्सी लगा सकते हैं, अपना माइक्रोवेव ओवन लगा सकते हैं। बहुत अच्छा किचन इन्होंने सेटअप कर रखा है। IGL का गैस पाइपलाइन ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। दोस्तों, एक्टिव है, आप अपने नाम पर आइए, ट्रांसफ़र करवाइए और इसको यूज़ कीजिए। आइए दोस्तों, अब मैं लेके चलता हूँ आपको इसके फर्स्ट बेडरूम में। यह है इसका फर्स्ट बेडरूम। अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूँ तो अप्रॉक्स 10 फुट बाय 12 फुट का आपको ये बेडरूम भी मिल जाता है, जिसमें इन्होंने वाइट कलर की सेरेमिक ग्लॉसी टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। और फॉल सीलिंग वर्टिकल कोफ के साथ पैनल लाइट और कोफ लाइट दोनों का इन्होंने इसमें यूज़ किया हुआ है। इसी के साथ आपको लेफ्ट पे आप देख पा रहे हो काफ़ी स्पेशियस अलमीरा भी मिल जाती है। दोस्तों, अप्रॉक्स 8 फुट बाय 5 फुट की पूरी आपको ये अलमीरा मिलती है। इसके अंदर आपको ड्रॉर्स मिल जाते हैं। काफ़ी स्पेशियस अलमीरा है दोस्तों जो कि आपको इस बेडरूम के साथ मिलती है, और ये अलमीरा वॉल के अंदर है जिससे कि आपको आपका बेडरूम का स्पेस पूरा मिलता है। दोस्तों मेरे बैक साइड पर आप देख पा रहे हैं दो पॉइंट्स दे रखे हैं, आपके बेड का बैक फ्रेश इस तरफ आ जाएगा और इस तरफ मेरे लेफ्ट पे यहाँ आएगा आपका टीवी पैनल का स्पेस। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम में। लेकिन दोस्तों सेकंड बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको इसका कॉमन वॉशरूम बता देता हूँ। कॉमन वॉशरूम के बाहर ही इन्होंने एक हैंड वॉश एरिया दे रखा है जिसपे इन्होंने पूरी वैनिटी बना रखी है। काफ़ी स्पेशियस आपको वैनिटी मिल जाती है दोस्तों। इसी के काउंटर टॉप पर ब्लैक कलर के ग्रेनाइट का यूज़ किया हुआ है जो कि किचन से मैच होता है। यहाँ पर एक एंटीक इन्होंने हैंड वॉश सिंक लगा रखा है और फिटिंग्स आपको सारी ग्रेविटी की ब्रांडेड मिल जाती है दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम आ चुके हैं इसके वॉशरूम में। वॉशरूम के डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ 6.5 फुट बाय 6.5 फुट का आपको ये वॉशरूम मिल जाता है। अच्छा स्पेशियस वॉशरूम है, एक 3 BHK के फ्लैट के साथ कॉमन ये वॉशरूम है दोस्तों। मेरे लेफ्ट साइड पर जो विंडो है ये ओपन होती है आपकी शाफ्ट में, इसके ऊपर इन्होंने एग्जॉस्ट फैन का स्पेस दे रखा है, एग्जॉस्ट फैन लगा के भी दे रखा है ताकि आपका ये वॉशरूम वेंटिलेटेड है दोस्तों। और अगर मैं बात करूँ टाइल्स की तो ये भी टाइल्स इन्होंने बहुत खूबसूरत सिर में ग्लॉसी टाइल्स लगा के बीच में ग्रूव काट के इन्होंने पेंसिल टाइल का इसमें यूज़ किया हुआ है दोस्तों। और फ्लोरिंग पे भी सेम इन्होंने टाइल्स लगा रखी हैं जो कि एंटी स्किड टाइल्स हैं। ऊपर ग्लॉसी सिरेमिक टाइल्स हैं और फ्लोरिंग पे एंटी स्किड टाइल्स हैं लेकिन मैचिंग की टाइल्स हैं। फ्लोर माउंटेड आपको सीट मिल जाती है, इधर आपको एक डायवेटर मिल जाता है दोस्तों, और फिटिंग फिक्चर्स सारे आपको ग्रेविटी के ब्रांडेड ही मिलते हैं दोस्तों। आइए अब हम चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम में। दोस्तों ये इसका सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम के अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो अप्रॉक्स 12 फुट बाय 11 फुट का आपको ये भी बेडरूम मिल जाता है दोस्तों। और ये भी इसका मास्टर बेडरूम है क्योंकि जो इसका कॉमन वॉशरूम था उसका एक डोर यहाँ से भी ओपन होता है दोस्तों। ये भी सीधा आपका कॉमन वॉशरूम में जाता है। उस वॉशरूम का जो कॉमन वाला उसका एक्सेस आपका बेडरूम से भी है और ड्राइंग रूम से भी है। और दोस्तों यही बेडरूम आपको एक्सेस देता है आपका बालकनी में जाने का भी। लेकिन बालकनी में जाने से पहले मैं आपको इसकी अलमीरा दिखाना चाहता हूँ जो कि इसमें भी आपको एक अलमीरा मिल जाती है अप्रॉक्स 8 फुट बाय 3.5 फुट के करीब की दोस्तों। ये भी काफ़ी स्पेशियस अलमीरा है। और अगर बात करूँ इसकी फॉल सीलिंग की तो वर्टिकल कोफ के साथ इसमें भी पैनल लाइट का इन्होंने इसमें यूज़ किया हुआ है और कोफ लाइट भी लगा के देने हैं दोस्तों। फैन फिटिंग फिक्चर्स सारे आपको इसमें ब्रांडेड मिल जाते हैं। इसी के साथ आपको एक स्पेस मिलता है इसमें विंडो एसी लगाने का। विंडो एसी के साथ एक आपको ओपनेबल विंडो मिल जाती है दोस्तों जो कि सीधा बालकनी में ओपन होती है आपकी। और इसी के साथ आपको एक डोर मिलता है जो कि आपको एक्सेस देता है सीधा आपको इसकी बालकनी में जाने का। आइए दोस्तों अब हम लेके चलते हैं आपको इसकी बालकनी में। दोस्तों काफ़ी अच्छी अप्रॉक्स 3.5-4 फुट के करीब की आपको बालकनी मिल जाती है। और अगर लेंथ वाइज बात करूं तो बालकनी का जो साइज़ है अप्रॉक्स आपको 20 से 22 फुट का मिल जाता है दोस्तों। यही बालकनी आपको सीधा एक्सेस देती है आपको इसके थर्ड बेडरूम में जाने के लिए। फ्रंट के जो दोनों बेडरूम्स हैं आपके बालकनी से अटैच हैं दोस्तों। और ये भी आपका मास्टर बेडरूम है। इसमें एक खास बात है आपको दोनों बेडरूम्स आपको इसके मास्टर बेडरूम मिल जाते हैं जो कि बालकनी और वॉशरूम से दोनों से अटैच हैं दोस्तों। आइए इस बेडरूम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इसके वॉशरूम में। दोस्तों ये वॉशरूम भी अप्रॉक्स आपको मिल जाता है 5 फुट बाय 6 फुट के करीब का। ये भी काफ़ी अच्छा स्पेशियस वॉशरूम है। टाइल्स सेम इन्होंने ग्लॉसी सिरेमिक लगा रखी है वॉल्स पे और फ्लोर पे एंटी स्किड टाइल्स जिसमें इन्होंने ग्रूव काट के पेंसिल टाइल का यूज़ किया हुआ है गोल्डन कलर की दोस्तों। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये भी वॉशरूम। फ्लोर माउंटेड आपको सीट मिल जाती है। इसका भी एक आपको ओपनेबल विंडो मिलती है जो कि सीधा आपकी बालकनी के साइड पे ओपन होता है। ऊपर आपको एग्जॉस्ट फैन लगा के दे रहे हैं जिससे वॉशरूम वेंटिलेटेड हो जाता है दोस्तों। यहाँ आपको इसके वॉशरूम के अंदर एक हैंड वॉश एरिया भी मिल जाता है जो, और जितनी भी आपको बाथ फिटिंग्स मिलती हैं सारी आपको ब्रांडेड मिल जाती हैं दोस्तों। यहाँ आपको डायवेटर लगा के दिया जा रहा है जो कि ग्रेविटी का है। ऊपर शावर एरिया है। काफ़ी अच्छा स्पेशियस ये भी आपको वॉशरूम मिल जाता है दोस्तों। और अगर आप बात करूँ इसके इस बेडरूम की जो कि लास्ट बेडरूम है डायमेंशन की तो ये भी आपको 12 फुट बाय 11 फुट का मिल जाता है। फॉल सीलिंग वर्टिकल कोफ के साथ पैनल लाइट और कोफ लाइट का दोनों का इसने यूज़ किया हुआ है। फैन फिटिंग फिक्चर्स सारे आपको ब्रांडेड मिल जाते हैं। इसमें भी आपको एक स्पेस मिल जाता है यहाँ पे विंडो एसी लगाने का और नीचे एक ओपनेबल विंडो मिल जाती है जो कि आपकी बालकनी में ओपन होती है। ये डोर भी आपका बालकनी में ही जाता है जिससे हम अभी अंदर आए थे दोस्तों। और ये है इसका डोर जो कि सीधा ओपन होके जाता है आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया में दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये 3 BHK फ्लैट, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये फ्लैट सिर्फ पूरी बिल्डिंग में एक ही बचा हुआ है, मेन रोड से मात्र 400 मीटर की दूरी पे है। इनक्लेव फेज़ 2 छतरपुर, इनक्लेव फेज़ 2 B ब्लॉक में आपको ये फ्लैट मिल जाता है। एक छोटी सी गेटेड सोसाइटी टाइप इन्होंने ये बना रखी है दोस्तों, आरडब्ल्यू ने मेन एंट्रेंस पे गेट लगा रखा है, जिससे आपका ये पूरी छोटी सी जो B ब्लॉक है ये भी काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाता है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ इसके लैंड टाइटल की, तो लैंड टाइटल फ़िलहाल इसका GPA है। जैसे ही छतरपुर में रजिस्ट्रियाँ ओपन होती हैं आप इसकी भी रजिस्ट्री करवा सकते हैं दोस्तों। सबसे ज़रूरी चीज़ इसकी प्राइस की, प्राइस इसका है मात्र 58 लाख, 58 लाख रुपीज़ में आपको ये फ्लैट मिल जाता है दोस्तों। इनक्लेव फेज़ 2 आपके डेली नीड की जितने भी आइटम्स हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं, सारी फुलफ़िल करता है, चाहे वो ग्रॉसरीज हों, वेजिटेबल्स हों, ATMs हों, स्वीट शॉप्स हों, कनेक्टिविटी वाइज हो। आप इजीली आप अपने घर से थोड़ा सा ही बाहर जाते हैं, मात्र 100 मीटर के करीब आपको ऑटो मिल जाता है शेयरिंग सीधा मेट्रो तक जाने के लिए। येलो लाइन मेट्रो स्टेशन से आप दिल्ली का कोई भी मेट्रो स्टेशन इजीली कवर कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट से मिलने वाली सुख सुविधाओं के बारे में, IGL का गैस पाइपलाइन, BSCS के मीटर्स, दिल्ली जल बोर्ड का वाटर आपको इस यूनिट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। छतरपुर इनक्लेव में हर चीज़ की सुविधा आपको बहुत अच्छे से मिल जाती है। आइए विजिट अलाइन कीजिए, सस्ता घर से जुड़िए और अपना घर लेने के सपने को साकार कीजिए। मैं राजीव वर्मा फिर मिलूंगा एक नए फ्लैट पे एक नए सफ़र के साथ। धन्यवाद।